अब अप्रत्यक्ष रूप से सुपर सीएम दूसरे को बनाकर खुद गृह मंत्री की भूमिका में है और तेजस्वी यादव के पिछलग्गू बनकर अब झोला झंडा उठाने को जेडीयू के लोग तैयार हैं। अब इस स्थिति में आने के बाद भी ललन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने का तो मुंह ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पॉकेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भाजपा के ऊपर बिना बयान दिए खाना नहीं हजम होता क्या? भाजपा के ऊपर बिना कुछ बोले उनसे रहा नहीं जाता क्या? ये सारी बातें भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद की है। दरअसल निखिल आनंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जोरदार हमला बोला है और हमला बोलते ही उन्होंने कहा है कि जो जवाब उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल उपेंद्र कुशवाहा आपसे पूछ रहे हैं कि आरजेडी और जदयू में क्या डील हुई है, उसका जवाब देने के बजाय आप उल्टा उपेंद्र कुशवाहा से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके और भाजपा के बीच क्या डील हुई है। अरे, आपको भाजपा के ऊपर बिना इल्ज़ाम लगाए, भाजपा के ऊपर बिना कुछ टिप्पणी किए आपसे रहा नहीं जाता है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में अब भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद सामने आते दिख रहे हैं। दरअसल ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से एक सवाल पूछा है और कहा है कि क्या आपके और भाजपा के बीच डील हो गई है और क्या आप भाजपा में जा रहे हैं। अब इन सारी बातों पर भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और भाजपा के प्रवक्ता ने ललन सिंह को ही लपेटे में लेते हुए उनसे सवाल पूछा है कि क्या आप पहले उस सवाल का जवाब दीजिए कि आपके और जदयू के बीच, यानी आरजेडी और जदयू के बीच कौन सी डील हुई है। इस सवाल का तो आप जवाब ही नहीं देते बल्कि उल्टा आप उपेंद्र कुशवाहा पर ही सवाल उठाते हैं। दरअसल बीते दो दिन से, यानी बीते दिन और आज, उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के तमाम नेताओं की मीटिंग बुलाई है और दो दिवसीय उनकी मीटिंग चल रही है और इन सब भी बातों पर अब जदयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा पर ही हमलावर होते हैं और साथ ही साथ भाजपा को भी वो घेरते नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर निखिल आनंद, आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। नीतीश कुमार जी के पॉकेट की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोले बिना खाना नहीं पचता है क्या? अब वो उपेंद्र कुशवाहा जी पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि भाजपा से बात हो गई है क्या, डील हो गई है क्या? अब इनको उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब पहले देना चाहिए कि आरजेडी के साथ जेडीयू की क्या डील हुई। अब सत्ता हस्तांतरण करने से कई नेताओं के वीटो लगाने के बाद नीतीश जी डर गए हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप से सुपर सीएम दूसरे को बनाकर खुद गृह मंत्री की भूमिका में है और तेजस्वी यादव के पिछलग्गू बनकर अब झोला झंडा उठाने को जेडीयू के लोग तैयार हैं। अब इस स्थिति में आने के बाद भी ललन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने का तो मुंह ही नहीं है।